एक यात्रा है, उस यात्रा में जीवन की सार्थकता किसी न किसी कर्म में होती है। हम जो कर्म करते हैं, जो काम करते हैं, वही हमको याद है, वही हमें हमारे जाने को याद दिलाता है। मतलब मृत्यु और महामृतक हमें आते हैं, मृत्यु की बात का जीवन हमें हमारा काम देता है। और राष्ट्र के नवनिर्माण में राष्ट्र प्रति कोई भी काम, किसी प्रकार का कोई व्यक्ति हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे बिल्डिंग ऑफिसर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे स्टूडेंट हो, कोई व्यक्ति हो जो राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देता है, वही जीवन सार्थकता है। हम आज अगर चले जाएंगे, हमारे जहाँ राष्ट्र वही रहना है। हमारी सार्थकता इस भारत में रहने वाले लोग प्रति होनी चाहिए, इस पार्टी प्रति होनी चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारा एसेट कल्चर, हमारी सनातन परंपरा, हमारी भाषा, जैसे मूल भाषा हमारी संस्कृत नहीं है, जो अपनी भाषा हो चुकी है। लगभग सारे भाषाओं, भारत की सारे भाषाओं जननी है, पर विश्व की भाषाओं की जननी है, कुछ मानते संस्कृत, उसके उत्थान के उस उत्थान में लगे हैं। और मिशन राम प्रवास में एक सफलतापूर्वक पूरे विश्व भर में, भारत के बाहर भी सफल हो चुका है। और बहुत प्रसन्न लोग खुश हो, एक नए सेमिनार की तरफ कोरोना काल के युग में हम नए सिरे से एक और दिशा में कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और बाहर निकलना बड़ा महत्वपूर्ण है, हम कब तक किसी महामारी के नाम पर घर बैठे रहें। अपने आप को हम लोग को समाज के प्रति, भारत के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, उसको निभाते हुए नए सिरे दिल्ली पहुँच रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि पूरे भारत में जो जो आंदोलन चलाया मिशन राष्ट्र का, और मजबूती से गहराई से लोगों के दिलों में और उनके जड़ों में वो मजबूती से स्थापित होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।